आपके लिए सरप्राइज है जो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग हर बार की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों नितिका? यार हम दोनों हैं सिर्फ। हमने फिर से एक कैब ले लिया और हम लोग निकल गए हैं वापस से घूमने के लिए। मैंने वैशाली को, निकिता को बोला, मैंने कहा गर्ल्स डे आउट करते हैं, बहुत मजा आएगा, लेकिन नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और दोनों बिजी थी, राइट? दोनों बिजी थी। तो आज हम लोग निकल गए हैं वाओ के लिए। आप देखते हैं वाटर पार्क जैसी जगह सिर्फ दो लड़के कैसे एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अभी हम लोग आ गए गार्डन गैलेरिया के पास और जाकर अभी हमें पार्किंग करनी है। 11 नंबर इन्होंने बोला है, 11 नंबर नोएडा सेक्टर, कौन सा ये? 18 नोएडा सेक्टर 18 में हम लोग आ गए हैं और 11 नंबर पार्किंग में अभी हम लोग पार्क करने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नियरेस्ट है ना वाओ से। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं और चल के अभी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। आर यू रेडी? अभी तो एसी में बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर की गर्मी भाई साहब 45 डिग्री टच कर रहा है, सोचो क्या हाल होने वाला है हमारा, लेकिन हम फिर भी आए हैं एंजॉय करने के लिए। चले चलो, टिकट लेनी है। टिकट काउंटर पे देखो भीड़ कितनी हो रही है, आज सैटरडे है ना, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। ओनली वाटर पार्क की टिकट के प्राइजेज है यहाँ पर। ओके, एडल्ट के हैं 1450, चाइल्ड के हैं 999, सही है, सीनियर सिटीजन के भी 1000 रुपीज़ है। सो चलो टिकट लेते हैं और आगे चलते हैं। पांडा डांस यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पांडा आ गया है, वाओ। नितिका, तेरी प्रजाति के लोग, यू आर अ बियर एंड दिस इज अ पांडा। सो चलो अंदर चलते हैं, हमारे पास टिकट्स आ गए हैं हम दोनों की, मेरी और नितिका की टिकट्स, 1450 की एक है। फुल ऑन पंजाबी वाली फील। हेलो, पहला नजारा ये है, पीपल आर एंजॉइंग, कपल्स आर एंजॉइंग ये। और अभी मुझे लग रही है नितिका भूख, बहुत तेज लग रही है, नितिका भूख लग रही है, कुछ खिला दे यार। खाते हैं ना पहले, है ना, चेंज भी करना तेरे को तो, है ना। चल, लॉकर एंड बैगेज का भी सर्विस है और यहाँ पर क्या है कि 400 रुपीज आप जमा करो, मतलब 150 लॉकर रेंट है, और डिपॉजिट जो हमें करना है रिफंडेबल प्राइस है वो यहाँ पर 250 का है। तो 400 अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो 250 हमें रिफंड मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बैगेज का रखना है तो सिर्फ आप बैग भी अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 150 रुपये का है। तो अभी हम दोनों लड़कियाँ हैं तो हम दोनों को तो एक ही लगेगा, एक ही लॉकर लेंगे हम लोग, जो कि लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ और जेंट्स का लॉकर अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं आपको जैसा मर्जी लेना हो। भीड़ तो यहाँ पे बहुत है यार वैसे। तो हम लोगों ने चेंज कर लिया है और अब हम रेडी है जाने के लिए, राइट, है ना। सामान रख देंगे अभी लॉकर के अंदर और अभी हम लोग जाने वाले हैं। मैं तो घर से पहन के आई थी, इसने अभी चेंज कर लिया है। नितिका कहाँ रह गई? नितिका पता नहीं कहाँ पे आ रही है और मैं उसका नीचे वेट कर रही हूँ। फूड कोर्ट है यहाँ पर, बाद में खाएंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा समोसे खा के आए हैं ना। हाँ। समोसे खा के आए हैं अभी हम वहाँ से और अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क के लिए। वहाँ पे वाटर राइड जाओ, अबे ढोल वाले भी हैं, ढोल वाले भी हैं वहाँ पे, मजा आएगा। अभी जा सकते हैं हम, चले। अरे मतलब 3 फीट ही है पानी, है ना, तो हम उधर चलते हैं, उधर वाली साइड चलते हैं, है ना। चलो उधर चलते हैं। यहाँ का टाइमिंग है, वेव आने का टाइमिंग होता है, वेव टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, वो देखो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30। अच्छा अभी हो रहा होगा, एक सेकेंड, अभी हो रहा है 11:10, तो मतलब 20 मिनट में, 20 मिनट के बाद आएगी वेव। Thank you.
फ्री फॉल रैपिड रेसर और टर्बो टनल टनल हाँ इसको तो देख के डर लग रहा है इसको देख के डर लग रहा है, पता नहीं कैसे करने वाले हम ये। वो विदाउट मैट है बोल रही हूँ कि वो बिना मैट के साथ करना है येलो वाला हाँ। और ये ब्लू और रेड वाला मैट के साथ हाँ। करना है उल्टा लेट के भाई साहब, और हमारे पास मैट है नहीं तो हम किस लिए जा रहे हैं उसको भाई साहब, और सबसे ऊंचे वाला करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत मजा आया, ये थक गई है बहुत ज्यादा, और हमारे यहाँ पे नूडल्स आ गई है, नूडल्स है, कोक है, हम लोगों ने यहाँ पर चिली पनीर भी ले लिया है, बहुत कॉस्टली है यहाँ पे लुट गए बिल्कुल, और ये थक चुकी है, बस अभी हम लोग खा के बस अब निकलते हैं। One week later. हेलो एवरीवन, हेलो 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 एंड डायरेक्ट वाटर पार्क से आप लोग मिल रहे हो मेरे घर पे, क्योंकि इस ब्लॉग के अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो गया है, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, और ये शायद दो फनियारे का सबसे पहला व्लॉग होगा जो कि 15 से 20 दिन से ज़्यादा खींचने वाला है, और वो खींचने क्यों वाला है क्योंकि मतलब कांड ही ऐसा हुआ क्या बताएं। जब मैं और नितिका वाटर पार्क में थे तो वहाँ पर ना हमारे एक काइंड ऑफ फ्रेंड बन गए थे, एक कपल थे जो कि हमारे नियरबाय लोकेशन में ही रहते हैं, तो ऐसे ही बात बात करते करते फ्रेंड्स बन गए, तो हमने कहा चलो ठीक है आप हमारे ना वीडियोज़ बना दो, ठीक है। अब जो जिस फोन से मैं शूट करती हूँ वो है OnePlus 9 Pro, ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, मतलब इसकी एक साल की वारंटी भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है, एक साल भी नहीं हुआ था इस फोन को आए हुए, शायद अगस्त के आसपास मैंने लिया था, और अभी अगस्त आया भी नहीं है नेक्स्ट, तो मैंने तब लिया था लास्ट ईयर, और भाई सबको ये लगता था कि ये वाटरप्रूफ फ़ोन है, और यही मिस्टेक उन भाई साहब ने भी की, उनको लगा कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, OnePlus का ये वाला फ़ोन ना वाटरप्रूफ है। मैंने बोला, मैंने कहा OnePlus का ये जो ये वाला मॉडल है भाई ये वाटर रेजिस्टेंट है शायद, ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं 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 कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारे पास भी एक OnePlus का मॉडल था, हमने भी शूट किया, तो चलो भाई ठीक है हमने भी मान ली बात। और उन्होंने 3 से 4 बार ही शायद इसको अंडर वाटर डाला, और 3 से 4 बार के मतलब बाद में ही ये फोन पड़ गया बंद। तो भाई अब फोन तो खराब हो गया था, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना था, हम लोग गए OnePlus के सर्विस सेंटर अगले 1-2 दिन बाद, तो सर्विस सेंटर जाते हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि आपके फोन खराब ही हो गया है, इसको 40,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि इसका मदरबोर्ड गया, इसका सेंसर वेंसर सब चलेगा, इसका डिस्प्ले गया, इसका कैमरा गया, सब चला गया। अब भाई साहब मेरी जान सूख रही थी, क्योंकि मेरा इतना सारा डेटा था इसके अंदर, मुझे डेटा चाहिए था कुछ भी करके, लेकिन 40,000 लगाना यार, मतलब पहले 64,000 का बंदा फोन ले, 65-64,000 का, और उसके बाद मैं उसके ऊपर 40,000 लगाऊं, मतलब मैं 1,00,000 का OnePlus का फोन ले रही हूँ, उससे बेटर मैं आईफोन ना ले लूँ, ठीक है, तो मैं क्यों लगाऊं 40,000 भाई, मुझे तो डेटा से मतलब है। तो फिर मैंने क्या किया भाई, क्या कर सकते थे, 40,000 तो देना कहीं पर भी वर्थ इट था नहीं, तो फिर मैंने ढूंढा और कहीं पर कि कोई ऐसा सर्विस सेंटर हो जो सिर्फ फ़ोन को चलने लायक ही बना दे भाई, ताकि हम लोग डेटा ही निकाल लें इसमें से। तो हम लोग गए लक्ष्मी नगर, जो कि जस्ट डायल पर जिसकी रेटिंग अच्छी थी, और वो मुझे शुभम ने बताया कि वहाँ पर ना डिवाइन गैलेक्सी करके है, ठीक है, तो अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखने वाले हो कि वहाँ पर हम गए, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मेरा रिव्यू कैसा रहा, फ़ोन ठीक हुआ, फ़ोन कैसा है, फ़ोन क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको आगे पता चलने वाला है, ठीक है। और एक और आपके लिए सरप्राइज है, जो कि हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड ऑन हो गया है, जो कि मतलब उसे ऐड तो करना ही था, लेकिन इतनी जल्दी ऐड हो जाएगा वो हमें नहीं पता था, सो आई एम सो एक्साइटेड, आप इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। सो फाइनली हम आ गए हैं निर्माण विहार, निर्माण विहार का मेट्रो स्टेशन जस्ट वहीं पर है, और वहाँ से यहाँ पर डिवाइन गैलेक्सी है, यहाँ पर देखो योर इस डिवाइन गैलेक्सी, जो कि ई सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी रहते हैं यहाँ पर, और मेरा फ़ोन अब मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी है देखने की कि क्या हुआ होगा मेरे फ़ोन का। हेलो हाय, सो कैसे हो आप? बढ़िया, अभी मेरा फ़ोन वहाँ पर टेस्ट हो रहा है, बताओ मैम ठीक हो गया पूजा मैम? प्रॉपर ठीक है, आप कहीं भी यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप कॉन्टेक्ट कर सकते। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे वैसे?
वाटर डैमेज की वजह से इंटरनल सीपीयू में पानी चला हुआ है, डिस्प्ले आईसी चेंज हुई है, सब पीसीबी चेंज हुई है, सब चेंज हुआ है, एकदम नया हो गया फोन फुल। ओके, आप चेक कर सकते हैं ना, ये चेक कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बंद था ये फोन और हमारी जान निकली हुई थी बिल्कुल इसको देखकर, लेकिन अब ये चालू हो चुका है और इसकी फिंगरप्रिंट कैलिब्रेशन भी इन्होंने करवा दी है और हमें पड़ा हुआ खर्चा कितना 17,000, ठीक है ना, जहाँ हमें वन प्लस के सर्विस सेंटर में 40,000 बोला था वहाँ इन्होंने 17,000 में फ़ोन एकदम चलने लायक बना दिया। सो थैंक यू सो मच मैम, है ना, और ये इनका सेंटर है डिवाइन गैलेक्सी, अभी आप गैलेक्सी डिवाइन गैलेक्सी, है ना, और मैम अपना नंबर वगैरह आप दे दीजिए ताकि किसी को भी हमारे व्यूअर को आना हो तो बिल्कुल आ सकते हैं। सो ये देखिए ये रहा कार्ड, जिनको भी आना हो वो आ सकते हैं बिल्कुल, इनकी डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। अभी मैं अपना फ़ोन देख लूँ ज़रा, मैं अपना फ़ोन देखूँ कि फ़ोन कैसा है, दिखाना मैम, देखते हो। अच्छा अभी मेरा तो फिंगरप्रिंट, इसका क्या पासवर्ड है, मैंने चेक करने के लिए लगाया था, हाँ ठीक है, तो पासवर्ड भी चल रहा है, टच एकदम स्मूथ है जैसा था इसका टच, फिंगरप्रिंट भी इसका काम करने लगा है, एकदम बढ़िया हो गया फ़ोन। तो चलो थैंक यू सो मच मैम, अब हम चलते हैं, ठीक है। Several days later. अभी इसमें कार्ड नहीं है, मतलब जो भी शो हो रहा है इसमें आप डिस्प्ले करेगा ना पूरा, सेंसर और कुछ सब से कार्ड डालना पड़ेगा, एसडी कार्ड डालना पड़ेगा, एसडी कार्ड में एक क्लास कैमरा देख ही लूंगा, इसके लिए ना हाई स्पीड देना पड़ेगा, नहीं मैं जो फ्रेम है ना वो पड़ेगा, कम से कम 70 में नहीं मिलेगा, ठीक है। सोनी का माइक देख रहे हैं हम, हां जी भैया, डुअल चैनल वाला है ना, डुअल ऑडियो, ठीक है, और 128 GB का मेमोरी कार्ड, राइट, ये वाला है जो सेटअप है, जब इसमें लगाओगे ना ये कवर आपका निकल, निकाल के लगाना होता है, ये बंद हो गया और ये साइड से ये बंद, अच्छा साइड से, ताकि फिर ना आपको ये गैप मिल जाएगा ये लगाने के लिए, इस तरह से, उसके बाद इसमें आप माइक लगा सकते हैं, अडैप्टर लगाने के लिए ना, जगह इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, तो उसका जो अपना भाग, अच्छा ये एप्लीकेशन लॉग इन करने ये डाटा केबल आएगी, ये डुअल चार्जर आएगा और ये बैटरी आएगी, ठीक है 1750 समझ, अच्छा इस पे वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करोगे ना तो ऑप्शन आ जाएगा वारंटी, ठीक है, तो पड़ा ये 64350, बाकी चीज़ एंड बता देंगे 64,000 के नहीं साथ है, देख के तार ऊपर, तो यार ये तीसरे फ्लोर पर था, बड़ा ऊपर जाके है फोटो मार्केट के अंदर, इधर से इधर फोटो मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, हमने तो पूरे ऑथराइज सामान लिया है GoPro 10 का, गोलू फोटोज भैया से, और ये आपका ठीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने, सामने मैकडोनल्ड्स भी है, इसका नाम ही है कि किसी से भी पूछ लो कि फोटो मार्केट कहाँ है तो ठीक है आपका SBI बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने है, और यहाँ सीधा लिखा है फोटो मार्केट, ठीक है, गोलू फोटोज का नंबर हम डाल ही देंगे, है ना, चलो ये रहा पूरा डन हो गया, 65,000 का पचका चूना। सो देखा आपने GoPro Hero 10 अब बन गया है द फनियारे का टीम मेंबर, ठीक है, वो अब या मतलब इतना टाइम से हम लोग जब से ये लॉन्च हुआ था तब से हमारा मन बहुत था कि लेना है यार, लेना है GoPro, लेकर आना है, बट इस तरीके से आएगा पता नहीं था, ठीक है, तो भाई व्लॉग्स के लिए हमें चाहिए ही था, हमने सोचा कि एक प्रोफेशनल कैमरा लेना है, लेकिन इस तरीके से आएगा पता नहीं था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो फ़ोन ठीक हो गया, 17,000 लगे उसके अंदर, और GoPro आ गया जिसका आपको बताई दिया कि वो भी शायद 64,000 के अंदर हमारी पूरी किट बन के आ गई है, ठीक है, तो कह लो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है बट ठीक है, कहते हैं कि एंड अच्छा हो गया तो सब अच्छा ही है ना,
तो अब बारी आ गई ट्रैक पे वापस आने की। इतना टाइम आपने वेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। जो व्यूअर्स अभी तक बने हुए हैं, मैं देख रही हूँ काफी व्यूअर्स बने हुए हैं और काफी का बहुत लोगों का मैसेज भी आ गया कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या बात हो गई। बट अब व्लॉग्स एकदम टाइम टू टाइम आने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कुछ कुछ न्यू कॉन्टेंट लेकर आते रहे। तो साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, हमें अभी और आपके सपोर्ट की और प्यार की जरूरत है। स्प्रेड करो प्लीज, वीडियोज को स्प्रेड करो। ये वीडियो एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो गिव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज आगे स्प्रेड जरूर कर देना यार। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द फनियारे।